ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बात करते हैं उस साजिश की जो सरकार के खिलाफ चल रही है। अभिभावकों को अपने जाल में फंसाने के लिए निजी स्कूल क्या कुछ नहीं करते, लोक लुभावने वादे, सुविधाओं की एक लंबी फेहरिस्त, बेहतर कल के सपने और जाने क्या क्या, लेकिन फिर भी इनकी दाल ना गले तो ये वो सब कुछ करने को तैयार रहते जिनकी उम्मीद आपको ना होगी। प्रदेश के चित्तौड़गढ़ में निजी स्कूल संचालक सरकार के खिलाफ साजिश करते हुए नजर आ रहे हैं। वे सभी अभिभावकों को ऐसे पर्चे बांट रहे हैं जिनमें सरकारी स्कूलों की जमकर बुराई की गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रदेश भर में सरकार जहां सरकारी शिक्षण व्यवस्था को सुधारने में लगी है, तो वहीं चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर लाओ आपके बच्चों को इंसान बना दूं शीर्षक से पर्चे बांटे जा रहे हैं। जी हां, जिसमें सरकारी विद्यालयों को नितकृष्ट और गुणवत्ता विहीन बताते हुए निजी विद्यालयों में बच्चों को प्रवेश दिलाने की अपील की गयी है। इन पर्चों पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। अपनी संस्था को श्रेष्ठ बताने और गुणवत्ता युक्त बताने के लिए इस तरह के प्रचार किए जाना आम बात है, लेकिन जिला मुख्यालय पर सरकार के प्रवेशोत्सव कार्यक्रम को विफल करने और अपनी कमाई के लिए निजी विद्यालयों में प्रवेश बढ़ाने के उद्देश्य से जो पर्चे बांटे जा रहे हैं, वो निजी स्कूलों के उद्देश्यों से जुड़े और उनकी मानसिकता पर ही कई सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए आपको वो पैम्पलेट्स ही दिखाते हैं, जरा देखिए किस तरह से इसमें सरकार द्वारा चलाई जा रहे सरकारी विद्यालयों पर सीधा निशाना साधा गया है। इन पर्चों में निजी और राजकीय विद्यालय की सुविधाओं की तुलना की गई है, जिसमें निजी विद्यालयों में सुसज्जित विद्यालय भवन, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन से लेकर 24 बिंदु दिए गए हैं, जिसमें ज्यादातर बिंदुओं में सरकारी विद्यालयों में ये सभी सुविधाएं बताई ही नहीं गई। सवाल ये है कि निजी विद्यालयों को क्या हक है कि वे सरकारी विद्यालयों और सरकार को सरेआम गाली देकर सरकारी विद्यालयों को नितकृष्ट बताए। हालांकि इन पर्चों पर नाम किसी का नहीं है, लेकिन जब फर्स्ट इंडिया ने पड़ताल की तो सामने आया कि निजी स्कूल संचालकों की संस्था द्वारा छपवा कर बांटे गए हैं। संस्था के अध्यक्ष का जो दावा है, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। इस पेम्पलेट के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन से बता रहे हैं। इन सभी बातों को आम जनता को हम बार बार ये चीज बता के ये करना चाह रहे हैं कि सरकारी योजना सिर्फ प्रलोभन के लिए है। अगर ये सबके लिए होती तो प्राइवेट स्कूलों को भी बराबर उन छात्रों को हक देना जाता, जबकि लैपटॉप साइकिल जो ये नहीं है। और इस ये जो हम बात उठा रहे हैं, इसमें हमारे पास प्रदेश स्तर का सहयोग है और हम इस बात को प्रदेश स्तर से तक ले जाएंगे और शिक्षा मंत्री से आपसे ये मांग करेंगे कि जितने भी योजनाएं हैं वो प्राइवेट स्कूलों को भी साथ में लेकर करें। हैरानी की बात तो ये है कि बात बात पर प्रेस नोट जारी करने वाले और छोटे मोटे डेपुटेशन के लिए विभागीय चक्कर लगाने वाले शिक्षक संघ के नेताओं ने भी इन पर्चों को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब इस मामले पर जानकारी चाही गई, तो शिक्षक संघ के नेताओं का कहना था कि ये गलत है, ऐसे पर्चे बांटने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए और जिला शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में लिखित शिकायत भी की जाएगी, लेकिन कब तक ये जवाब नहीं है उनके पास। FIR करवाने के लिए भी हम DO को कहेंगे कि वो लिखे, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए ये कार्रवाई करना संगठन का नहीं DO के कार्यक्षेत्र का मामला है, तो हम DO से ये लिखित में अनुरोध करेंगे कि वे ऐसे कार्रवाई के विरुद्ध जो कार्रवाई है FIR करवाने की कार्रवाई है, जो हमारे संविधान सम्मत कार्रवाई है वो करने का। तो सरकार द्वारा चलाए जा रहे राजकीय विद्यालयों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करने वाले और सरकारी योजनाओं को प्रलोभन बताने वाले इन पर्चों के वितरण के बारे में जब कार्यवाहक जिला कलेक्टर सुरेश चंद्र का कहना है कि हमें इस बारे में जानकारी अभी तक मिली ही नहीं थी और सरकारी स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता युक्त दी जाती है और कोई इस प्रकार का दुष्प्रचार करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखो, इसकी जानकारी में तो हमारे ये बात आई नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं तो एक बार उसको दिखवाते हैं, जांच करवाते हैं। मैं एजुकेशन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से को निर्देशित करता हूँ कि वे जाकर के उसको पूरी तरह से देखें, लेकिन इसी बीच जिस तरह से आप बता रहे हैं उस तरह से ये कृत्य जिस किसी ने भी किया है
कोई रिस्पॉन्सिबल अच्छी बात नहीं है। एक और जहां सरकार शिक्षण व्यवस्था को सुधारने पर पूरा जोर दे रही है, यहां तक कि खुद शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी तक इस मसले पर गंभीर नजर आते हैं। शिक्षकों को लक्ष्य देकर बच्चों को स्कूल तक लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, तो वहीं सरकार की पोषाहार योजना, स्कूटी योजना सहित पूरी शिक्षण व्यवस्था को नाकारा बताकर अपने सिर्फ कमाई को बढ़ाने के लिए पूरी शिक्षण व्यवस्था के खिलाफ ही दुष्प्रचार करने वाले और ऐसे विद्यालय संचालकों के विरुद्ध सरकार कोई कार्रवाई करेगी या फिर पूरे मामले में ढीला रवैया दिखाकर सरकार की व्यवस्था को खुलेआम नाकारा बताने वाले इन निजी स्कूलों के संचालकों को बढ़ावा देती रहेगी। अब ये तो देखने वाली बात होगी। फर्स्ट इंडिया के लिए चित्तौड़गढ़ से सुभाष बैरा की रिपोर्ट। तो सरकारी स्कूल का नाम आते ही सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि वहां की पढ़ाई अच्छी नहीं होती, वहां पर जो विद्यालय होता है, स्कूल प्रांगण होता है, वो अच्छा नहीं होता, टीचर जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाते। लेकिन अब धीरे धीरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों की जो दशा और दिशा है वो बदलती हुई नजर आ रही है। खुद वासुदेव देवनानी जो है शिक्षा मंत्री, वो यहां पर ये कहते हुए नजर आ जाते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं विद्यालयों से लेकर, शिक्षकों से लेकर और यही नहीं सरकारी योजनाओं से लेकर। लोक लुभावने यहां पर वादों के साथ योजनाएं भी बच्चों को दे दी जाती है, जिससे उसका जो रूप है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। और सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ, यहां पर बदलाव जरूर देखने को मिलता है, लेकिन निजी स्कूल जो है उनका कहना कुछ और ही है। यही नहीं, वो दुष्प्रचार करते हुए भी नजर आ जाते हैं, इससे भी वो पीछे नजर नहीं आते हैं। लेकिन इस बार तो उन्होंने सरकार के खिलाफ एक साजिश ही रच डाली है, सारी हदें ही पार कर डाली है। जरा तस्वीरें आप देख लिए किस तरीके से चित्तौड़गढ़ में पंपलेट जो है यहां पर छापे जा रहे हैं और ऊपर लिखा है साफ, शीर्षक दिया गया है, लाओ आपके बच्चों को इंसान बना दूं। और 24 बिंदु यहां पर दिए गए हैं जिसमें निजी विद्यालय की सुविधाएं दिखाई गई, तो दूसरी तरफ जो राजकीय विद्यालय है उनके सुविधाओं में सिर्फ कुछ नहीं लिखने के अलावा कुछ भी नहीं बताया गया। तो यही, प्रत्येक छात्र को 18,950 फीस जो है वो सरकार द्वारा बता दी गई है और खुद की अगर फीस की बात करें तो बेहद कम बताई गई है। पूरे तरीके से निजी स्कूल जो है वो सरकार पर निशाना लगाते हुए नजर आ रहे हैं, सरकारी योजनाओं को खोखला और सिर्फ लोक लुभावने वादे बताते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे तरीके से वो वार करते हुए और साजिश करते हुए सरकारी स्कूलों पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अपने निजी स्कूलों की इस तरीके से पर्चे बंटवाना और अपने स्कूल की लंबी लंबी फहरिस्त जताना, लोक लुभावने वादे करना निजी स्कूलों की आदत होती है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए शांतिलाल जी से बात करते हैं, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतिलाल जी, स्वागत है आपका हमारे फर्स्ट इंडिया में। थैंक यू शांतिलाल जी। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में पैम्पलेट्स बांटे गए हैं सरकारी स्कूलों की, पूरे तरीके से निंदा यहां पर की गई है कि वहां पर अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती और निजी स्कूलों में बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। हर एक अभिभावक को वो पर्चे बांटे गए हैं, क्या कुछ कहना है इस मसले पर? जी बिल्कुल, राजस्थान सरकार द्वारा जो डोर टू डोर सरकारी विद्यालयों में प्रदत्त सुविधाएं और छात्र कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जिस प्रकार से सघन अभियान चला करके नामांकन बढ़ाने पर जो अभियान चला जा रहा है, जिससे प्राइवेट स्कूल्स के संचालक एक तरह से इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गए कि पहले तो बच्चों को प्रेस देने में भी प्रॉब्लम आ रही थी और अब ये सीधे सीधे खुद संपर्क करके रैली निकाल रहे हैं। मैंने अभी उस पर इन्होंने जो पैम्पलेट बांटा है जी, उस वो कलेक्ट करने की कोशिश की, किंतु आज उपलब्ध नहीं हो पाया और आज मीटिंग्स में व्यस्त हो गए। कल इस पे हम पैम्पलेट की स्टडी करेंगे और अगर ऐसा कोई लगा जिससे कि सरकारी योजनाओं के प्रतिकूल टिप्पणी की गई तरफ से क्या एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा या गलत तथ्य दिया गया है, तो उसके बारे में हम कल इसकी जांच भी करेंगे। एक दो तीन जनों की समिति बनाने की आज विचार किया है। डीओ साहब परसों पधार जाएंगे, आज अवकाश पे हैं। तो यानी पूरे तरीके से आप गंभीर नजर आ रहे हो और एक्शन लेते हुए भी नजर आएंगे जांच कमेटी के बाद? या बिल्कुल, इसके कंप्लीट, क्योंकि अगर सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के बारे में भी मिथ्या तथ्य प्रचारित किया जाते हैं समाज में तो गलत है, और जिसने भी सुधार किए तो हम उच्च अधिकारियों से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करके कार्रवाई प्रस्तावित करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शांतिलाल जी तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।